गुड मॉर्निंग गाइस। और अब क्या सीन है यार, देखो मोटर चलाते ही पानी आ जाता है। और तब 2-3 दिन आंटी नहीं थे ना, तो बिल्कुल नहीं आया। अब सुबह पीने का पानी नहीं था तो मैंने मोटर चलाई है, तभी आ गया पानी। मैंने पानी भर लिया और अब ऊपर देखने आया हूँ यार कि टंकी में कितना पानी है। और एक चीज़ और देखने आया हूँ मैं। संतोष बता रही थी कि अंकल आंटी ने कुछ ऐसा कर दिया कि जो पानी बाहर निकल रहा था ना, वो टंकी में आएगा, अब बाहर नहीं निकलेगा। तो वो देखूंगा, थोड़ा सा समझूंगा कि भाई कौन सी वाल्व कैसे घुमाई है। पहले तो पानी देख लेता हूँ। बहुत यार पानी तो भरी है टंकी, देखो। बंद कर देता हूँ नीचे जाके और ये देखता हूँ यार इधर से। ये वाल घुमाई है यार, ये बिल्कुल सीधी थी। वो वाली तो ऐसी ही थी और ये वाली भी बिल्कुल ऐसे थी, तो ये वाली थोड़ी सी घुमाई है। तो अब देखा करेंगे पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा। इसमें वैसे ज़्यादा पानी तो आने लग गया अब, और समरसिबल चलाएंगे तब पानी वहाँ बाहर निकलेगा या नहीं पता नहीं, देखना पड़ेगा। और आज गाड़ी एक दोस्त लेके जा रहे हैं यार, हमारी तो छुट्टी है ना, गवर्नमेंट हॉलीडे है, तो वो लेके जाएंगे और वो कहीं जाना है। तो गाड़ी अभी थोड़ी सी साफ कर देता हूँ यार, बहुत गंदी हो रही है, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। देखो पानी और ये लेके जा रहा हूँ, वो पहुँच चुके हैं वैसे तो, फटाफट साफ करनी पड़ेगी 2 मिनट में ही, नहीं तो वो लेट रहेंगे फिर। और गाड़ी तो काम चला उसी साफ कर दिए यार। RC लेने आया हूँ क्योंकि RC दे दूँगा, दूर जाना है ना, कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो RC पर्स में पड़ी है, तो ऊपर रखा था पर्स। ये देखो यार काम चला उसी साफ करिए, सिर्फ साइडों से कर दी और आगे से कर दी, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। पानी का जुगाड़ नहीं बन पाता यार यहाँ से ही से, नहीं तो मैं एक बार सोच रहा हूँ पाइप लगा के और अच्छे से धो ही दूंगा। देखूंगा वहाँ से जुगाड़ बन गया ना तो किसी दिन यहाँ लगा के और फिर वॉश करूँगा अच्छे से। गंदी बहुत ज़्यादा हो जाती है यार, गली में खड़ी रहती है ना। और अभी कूलर में पानी भर रहा हूँ यार, और फिर एक्सरसाइज करूँगा। कल भी नहीं कर पाया था, टाइम नहीं लगा, आपने देख लिया वो व्लॉग में। और परसों संडे था ही, मैं खेलने चला जाता हूँ, तो संडे को तो मैं वैसे ही नहीं कर पाता। तो आज 2 दिन हो गए एक्सरसाइज किए, तो आज करूँगा। वैसे ही पसीने आ गए देखो, हालांकि इतनी गर्मी नहीं है मौसम में, ना इतनी तेज़ धूप है और हवा भी चल रही है, लेकिन फिर भी जैसे गाड़ी साफ करी ना तो उससे पसीने आ गए। अब जाके एक्सरसाइज ख़त्म हुई है यार, 10 बज गए पूरे। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करी आज तो, मतलब 1.5 घंटा लग गया मान लो, नहीं तो नॉर्मली 40-45 मिनट लगते हैं मेरे को। एक तो आज ड्यूटी पे नहीं जाना था, फिर आज मूड था आज बहुत एक्सरसाइज करने का, जबकि फास्ट आज मेरा कुछ खाना भी नहीं है ऐसा, पर ये है कि थोड़ा बहुत तो खाऊंगा यार काम चलाऊँ तो, क्योंकि एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा कर लिया आज, फिर 2 दिन करी भी नहीं थी ना। अजीब सा हो रहा है, गुड़ गुड़ फिर पेट में गुड़ गुड़ से हो रहा है, इतना खा गुड़ गुड़ ही हो रहा है, तीसरी बार खाने लगी सवेरे उठते हैं। देखिए पड़ी पड़ी भी खावे है। पेट दुख है ये तो, डट जाऊं। कितनी रोटी खा ली? 4 रोटी खा ली और 1 प्लेट पपीता खा, ये खा लिया, तरबूज खा लिया और बस यही खाया है सुबह तक। ये तो ज्यादा कौन है यार तने? थोड़े बादाम खाए थे, अखरोट खाए थे, थोड़े बादाम अखरोट खाए हैं, एक कटोरी दही खाई थी, बताओ। और 10 बज लिए अब तक, तुमने बताइए ये सौदा खाया है? 12 बज रहा है। 12 बजे तक, मतलब इतनी डाइट ली है तुमने बस यार, बहुत थोड़ी है यार ये तो। वहाँ देखो यार कैसे आ रहा है, पंखे की वजह से ना सारा अंदर खींचा चला रहा है, पोछा बीच में ही छोड़ रखा है। तो ठीक है, धूप का ही तो धुआं है, आने दे, क्या हो गया? धुआं तो धुआं होता है, फिर क्या हो गया? अच्छा है, खुशबू हो जाएगी थोड़ी, निकलता रहेगा ना साथ साथ, गेट खुले हैं देख सारे। स्वाद नहीं करा, स्वाद का नहीं था यार, मतलब ऐसे लगता है जैसे अंदर चला गया पूरा धुआं मेरे। अच्छा, ऐसा तेरे को वैसे ही लगता है, ऐसा मत सोच, ऐसा मैं सोचू नहीं क्या मतलब जा रहा है, ऐसा सोच कि धुआं वहां से आया और यहां से होते हुए दरवाजे से बाहर चला गया, ऐसे सोच। बंद दरवाजे से बाहर, देखो रहा जगह है वहां से निकल जाएगा। सही में ऐसे लग रहा है जैसे सारा मेरी नाक से अंदर जा रहा है पूरा। मेरे को तो नहीं लग रहा यार ऐसा कुछ कि मेरी नाक से सारा अंदर जा रहा है। इसी की वजह से मैं तो ज्यादा परेशान होगी यार, आप ये धुआं मत लगाया करो। इसी की वजह से तेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है मेरे को लग रहा है, सांस से नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल यार सच में पेट में गुड़गुड़ इसी की वजह से हो रही होगी। ठीक हो गई, एक बार ठीक होगी।
तब सांस नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसे हो रहा है कि क्यों जा रहा मेरे अंदर, मतलब जा रहा है तो कंफर्म हो गया। हाँ ये तो जा तो रहा ही है, अब धुआं है वो तो जाएगा ही सांस के साथ अंदर। सही बात है। नहीं पर सारा तेरे अंदर जा रहा था ना, बाकी कहीं ना कमरे में फैल रहा था ना, मेरे में जा रहा था, सारा तू ही खींच रही थी। यानी कौन सी सक्शन मशीन लगा रखी है तुमने? एक दो व्लॉग पहले मैंने आपको बताया था ना यार, जिसमें हम सफाई कर रहे थे कि हमारी काम वाली छोड़ के चली गई थी, तो मैं तो ये कह के छोड़ा था उसने कि भाई बच्चों का स्कूल होता है, मेरे को टाइम नहीं लगता, मैं इसलिए छोड़ रही हूँ, मैं सबका ही छोड़ रही हूँ। लेकिन फिर उससे नेक्स्ट डे हमने देखा कि वो नीचे तो काम करने आई थी, और आज वो अभी बात करने भी आई। मैंने दरवाजा खोला तो मैंने उसको देखा, तो वो बोली कि बात करनी है, तो मैंने इसको भेज दिया। क्या कह रही थी देखो, अब यही आएगी। आंटी को क्या कह रही थी पहले उस दिन? आंटी को तो ये कह रही थी कि भाई ना, मतलब मैं आ रही थी यहाँ नीचे से, उस दिन हम पानी तब हमने देखा था, तो बोली कि उन्होंने ना मेरे को देख भी लिया और मेरे को ना काम के लिए ऊपर बुलाया नहीं। तो मेरे को तो अजीब सा लगा, मतलब यार बुलाया नहीं, जैसे हम फ्री में सफाई करवा रहे हैं, कि उसको बुलाया नहीं है। हाँ हमने खुद ही गई थी कि तो भाई मत आइयो कल से, वो खुद ही ये बोल के गई थी कि दीदी पैसे दे देना मेरे को, आज कल से नहीं आऊंगी मैं। हाँ तभी हमने उसको पैसे दिए थे, वरना हम 1 तारीख को देते थे, तो अब की बार 30 को ही दे दिए थे। फिर भी सोच रही है कि हमें ये बुलाए, फिर आ जाके कहती, और फिर आ जाके पता आज अलग ही बात, आज कहती कि ना दीदी मुझे पैसे कम लग रहे हैं। ये क्या मतलब है कि कुछ बहाना मार के छोड़ के चली गई, फिर पीछे से कुछ कह रही है, आगे से कुछ कह रही है, हमसे डायरेक्ट बात कर लेती कि भाई पैसे कम लग रहे हैं, कि पैसे बढ़ा दो, हमें बढ़ाने होते तो ठीक है, नहीं बढ़ाने होते तो हम कह देते कि भाई बेशक छोड़ दे तू। और फिर ये पता है बार बार यूं बताती है ना कि वो मेरे को नहीं छोड़ने देती, वो क्या देती है कि 15 दिन भी तू ना आएगी तो भी हम एडजस्ट कर लेंगे, ये वो ऐसे कुछ। तो इसने सोचा कि दीदी भी, मतलब मैं भी ऐसे बोलूंगी कि ना तू छोड़ियो मत, बस चाहे तू कुछ हो जाए छोड़ना नहीं है तुझे। ऐसी तो कोई सफाई भी नहीं करती जो हम इसको ऐसे बोल लेंगे यार तू छोड़ियो मत। हाँ। इतना टाइम तो इसको ना वाइपर से पोचा लगाने में नहीं लगता, जितने में तो वो हाथ से पोचा लगा के चली जाती है। और उसमें मैंने आपको दिखाया था कि हमने साफ करा तो कितना चमक गया था फर्श, पर ठीक है यार देखो हम सारी चीजों में एडजस्ट कर रहे थे, क्योंकि इतना तो हमें भी पता है कि भाई कोई भी हो तो ये तो ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ये हमारी तरह करने लग जाएंगे तो यार इनसे तो पूरे दिन में 2 ही घर में होगा। और ये मैंने देखो 2-3 दिन पहले वाले व्लॉग में भी बोली थी ये बात, ऐसा नहीं है कि ये आज ही बोल रहे हैं हम, इसलिए हम सारी चीजों में एडजस्ट कर रहे हैं यार। लेकिन आगे से कुछ बोल रही है, पीछे से कुछ बोल रही है, कभी कह रही है पैसे बढ़ा दो। और एक चीज और यार, महीने में उसने 20-22 दिन काम किया है सिर्फ। स्टार्टिंग में उसने बोला था कि मैं 2 छुट्टियां करूंगी, उसने 5 छुट्टियां करी हैं खुद, और 4-5 बार हम खुद बाहर थे, आपने देखा ही होगा रेगुलर व्लॉग्स देख रहे हो तो। लेकिन फिर भी हमने कभी पैसे नहीं काटे उसके। अब की बार तो ये बोल रही थी कि मैंने उसको बोल दिया था कि पैसे काटेंगे, तूने इतनी छुट्टियां कर ली हैं तो मैं पैसे दे रहा था, तो अभी ये बोली कि उसके पैसे काट लो, उसने ज्यादा छुट्टियां करी हैं, 5 छुट्टियां उसने खुद करी हैं, 3 दिन के पैसे काट लो। मैं कह यार ना ऐसे अच्छा नहीं लगता, पूरे ही दे देते हैं, भले ही बेशक वो छोड़ रही थी, लेकिन फिर भी यार जब सारी चीजों में हम इतना वो कर रहे हैं, कभी कुछ कहते नहीं उसको, तो फिर भी यार मतलब मुंह पे कुछ पीछे से कुछ, यार ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हमें। रहने दे यार, इस साइड बहुत लग गया, अभी तो धोया था 1 दिन पहले, तो झाड़ू निकाल दी, अभी क्या तू फिर ना यार डेली मेहनत बढ़ेगी, अब डेली लगा देंगे तो इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस इसी साइड से लगा ले, उस साइड से रहने दे। ठीक है उस साइड से लगा। अभी पानी पी लिया था यार रोक जगह, वो दोस्त आए हुए थे जो गाड़ी लेके गए हुए थे ना, तो वो गाड़ी छोड़ने के लिए आए थे, तो उनके साथ फिर पानी पी लिया अभी। और वैसे शाम को नॉर्मल पानी भी मैंने बहुत ज्यादा पी लिया, और अभी मीठा पानी पी के तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा मीठा खाने का, तो बिल्कुल थोड़ा सा चुरमा बनाइए यार। और ये आजकल व्लॉग्स में ना थोड़ा सा कम बोल रही है, तो एडजस्ट कर लेना 1-2 दिन के लिए, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। बताओ क्यों कम बोल रही हूँ? तू ही बता देना। मैं क्यों बताऊँ, मैं रोज बताती रहूँ, यूँ सोचेंगे कि आपकी कितनी बुराइयां करती हूँ मैं, रोज ही आप मेरे ऊपर गुस्सा करते रहते हो, करते बुराई रोज ही नहीं, रोज ही आप मेरे ऊपर गुस्सा ही करते रहते हो, तो यही वाली बात। फिर मैं कहूँगी आज फिर आपने गुस्सा किया, कल फिर आपने गुस्सा किया, ऐसे तो फिर झूठ लगने लग जाएगा सबको, फिर रोज ही कहती है गुस्सा किया गुस्सा, यही क्या बात है। जानते हैं ना उनको झूठ नहीं लगेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, जो नहीं तेरे को जानते हैं उनको भी पक्का लगेगा हाँ भाई जरूर, हाँ इसने कुछ ऐसा किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है।
और यार बस फिर अभी खाना खाएंगे बन जाएगा, और आज की वीडियो को करते हैं यार यहीं पे एंड। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार अगर अभी तक नहीं किया है तो। और कल मिलेंगे नए व्लॉग में, आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।